बॉलीवुड एक्ट्रेस शमिता शेट्टी ने बीते दिन अपने पूरे परिवार के साथ अपना 45वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। अपने स्पेशल डे पर शमिता ऑफ शोल्डर पिंक कलर की ड्रेस पहनकर पार्टी में पहुंची थी। वे बिल्कुल बार्बी लग रही थी। शमिता शेट्टी ने हाई हील्स पहनी थी और हाथ में एक क्लच लिया हुआ था। उन्होंने एक ग्लॉसी मेकअप किया था और ओवरऑल वे बेहद दिलकश लग रही थी। इस दौरान बर्थडे गर्ल शमिता ने अपनी माँ सुनिंदा शेट्टी और जीजू राजकुंद्रा सहित पैप्स के लिए जमकर तस्वीरें क्लिक कराई। आपको बता दें, अपनी प्यारी बहन शमिता की बर्थडे पार्टी में इंडियन पुलिस फोर्स एक्टर शिल्पा शेट्टी भी काफी स्टाइलिश अंदाज में पहुंची थी। निया शर्मा टीवी की सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल है। निया अक्सर अपने ग्लैम तस्वीरों से इंटरनेट का पारा बढ़ाती रहती है। निया शर्मा ने व्हाइट टी शर्ट के साथ डेनिम शॉर्ट्स पहने थे, जिन्हें अपने व्हाइट कलर के हाई हील्स बूट्स के साथ पेयर किया था। निया ओवरऑल काफी स्टनिंग लग रही थी। निया ने इस दौरान पैप्स के लिए भी जमकर पोज दी और खूब तस्वीरें क्लिक कराई। निया की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। फैंस एक्ट्रेस के ग्लैम लुक की काफी तारीफ कर रहे हैं। बॉलीवुड में अपनी दमदार पहचान बना चुकी शहनाज गिल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सब फर्स्ट क्लास की शूटिंग में बिजी हैं। इस बीच में अमृतसर पहुंची। अमृतसर में शहनाज अपने भाई के साथ गोल्डन टेंपल में दर्शन के लिए गई, जिसकी तस्वीरें अब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। इन तस्वीरों में शहनाज एकदम सिंपल लुक में नजर आ रही है। उन्होंने अपना सिर ढका हुआ है और वो अरदास करती दिखाई दी। इससे पहले भी कई बार शहनाज अपने भाई के साथ गुरुद्वारे में अरदास करने जा चुकी हैं। एक बार दोनों लंगर खाते हुए भी नजर आए थे। गोल्डन टेंपल पहुंची शहनाज के फेस पर एक अलग ही सुकून नजर आ रहा है। तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, वाई गुरुजी। बिग बॉस 17 से कई कंटेस्टेंट ने सुर्खियां बटोर ली, लेकिन जो खिलाड़ी अपने गेम में टॉप पर था तो वह वास्तव में अंकिता लोखंडे थी। शो के दौरान एक्ट्रेस और उनके पति विक्की जैन के बीच घर में कई बार झगड़े हुए और यहां तक कि घर से बाहर आने के बाद उन्होंने एक दूसरे से तलाक लेने को लेकर भी बात कही थी। हालांकि अब ये जोड़ी बीबी रैप अप के बाद पहली बार एक साथ नजर आई है। वह भी एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले हुए। अंकिता इस दौरान सुपर ग्लैम लग रही हैं। एक्ट्रेस ने ऑफ शोल्डर रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जिसके साथ उन्होंने डायमंड की बालियां और एक रिंग पहनी थी। एक्ट्रेस के मेकअप की बात करें तो उन्होंने हल्की ब्लश और पीच लिप्स के साथ अपने लुक को काफी ग्लैम किया हुआ था। बिग बॉस 17 के बाद पहली बार एक साथ दिखे अंकिता और विक्की जैन को पैप्स ने भी अपने कैमरे में खुद कैद किया है। पूनम पांडे की मौत की खबर ने हर किसी को सन्न कर दिया। 32 साल की उम्र में पूनम का निधन हो गया। एक्ट्रेस की अचानक मौत की खबर पर किसी को ये यकीन नहीं हो रहा कि पूनम के निधन की खबर सुन हर किसी को गहरा सदमा लगा है। एक तरफ जहां कुछ लोग पूनम की डेथ का फेक बता रहे हैं, तो वहीं पूनम की इंडस्ट्री के दोस्त उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस लिस्ट में राखी सावंत का नाम भी शामिल है। राखी ने पूनम के निधन की खबर पर दुख जताया। उन्होंने पहले इंस्टाग्राम पर पूनम की एक वीडियो पोस्ट की, रेस्ट इन पीस लिखा, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक ऐसी वीडियो पोस्ट की है जिसके बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। इस वीडियो में राखी बड़े ही अजीब अंदाज में पूनम की डेथ पर दुख जताती नजर आ रही हैं। राखी कह रही हैं कि पूनम, तुम मुझे हमेशा कहती थी कि तुम मर्सिडीज हो और रेंज रोवर हो, और आखिर तू नैनो कार है। नैनो कार, आज मैं कहती हूँ कि हाँ, मैं नैनो कार हूँ, तू मर्सिडीज है, तू रेंज रोवर है। आज मेरी दोस्त वापस किधर है तू? कोई अपने लोगों को ऐसे छोड़कर जाता है क्या? उनका ये वीडियो काफी वायरल हो गया है, जिसे लोग उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।